मिर्ची डालकर मुझे पिलाया। मैं आपके घर से जा रही हूँ। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। श्वेता सिंह किड्स स्टोरी। रामपुर जंगल में सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो सेठ कालू कौवे के घर पे काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो गुड़िया चिड़िया से कहती है, गुड़िया बेटा तुम घोंसले से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत ठंड है, मैं सेठ जी के घर पे काम करने जा रही हूँ। नहीं माँ, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, आज मैं काम पर जाती हूँ, आप घर पे आराम करो। उसके बाद गुड़िया चिड़िया काम पर जाती है। इधर सुंदरी कौवी और कालू कौवा शहर के जंगल जा रहे थे। सुंदरी कौवी अपने बेटे राजू कौवा से कहती है, बेटा हम लोग शहर के जंगल जा रहे हैं, गुड़िया चिड़िया से खाना मांग के खा लेना। वे दोनों शहर के जंगल चले जाते हैं। जब गुड़िया चिड़िया आती है, छोटे मालिक मैं आपके खिलौने से एक बार खेल सकती हूँ? ना बबना, अगर तुझ जैसे गरीब लोग मेरे खिलौने छू देंगे तो मेरा खिलौना गंदा हो जाएगा। ये सुनकर गुड़िया चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है। राजू कौवा गुड़िया चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो उसे परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता रहता था। कालू कौवा भागकर किचन में जाता है और एक ग्लास में लाल मिर्ची पाउडर डालकर उसका घोल बना लेता है और लाकर गुड़िया को देता है। लो गुड़िया, तुम इसे पी लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। गुड़िया जैसे ही शरबत पीती है, जोर जोर से खांसने लगती है। आप गंदे मालिक हैं, आपने इसमें मिर्ची डालकर मुझे पिलाया, मैं आपके घर से जा रही हूँ। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। गुड़िया गुस्सा होकर बाहर घोंसले में बैठ जाती है। इधर कालू कौवा गुड़िया को आग से डराने के लिए किचन में जाता है और आग से खेलने लगता है। तभी किचन में चारों तरफ आग लग जाती है और कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आग आग, गुड़िया बचाओ मुझे, मम्मी पापा बचाओ मुझे। तभी वहाँ गुड़िया चिड़िया आती है और राजू कौवा को खींचकर बाहर निकालती है। देखते ही देखते राजू कौवा का पूरा घर जल जाता है। थैंक यू गुड़िया, तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुम आग में से मुझे नहीं निकालती तो मैं तो जल के मर जाता। आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और अपने खिलौने भी तुम्हें खेलने को दूंगा। आज से मैं और तुम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। इस तरह राजू कौवा और गुड़िया चिड़िया की दोस्ती हो जाती है।